जीजाजी, जीजाजी उठे, उठो। अरे क्या 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 हुआ इलायची जी? जीजाजी पापा ने, बस बस इलायची समझ गए, पापा ने मतलब हो गया कांड। ओ भाई सामान बांध ले, चल चल उठ यार। ओ गॉड, नहीं नहीं, पापा ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, जीजाजी मंजूरी दे दी हमारे रिश्ते के लिए। क्या क्या बात कर रहे हैं आप इलायची जी, सच में क्या 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 कहा उन्होंने? पापा ने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब क्या भगवान साक्षात आए थे क्या आपको ये बात बताने के लिए? नहीं, एक्चुअली मम्मी आई थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी। और पता है कह रही थी पापा भी बहुत खुश है, नाराज हो रही थी कि हमने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, छुपा के रखा। और पापा पापा तो सेलिब्रेट करने वाले, तो कुछ ग्रैंड प्लान कर रहे हैं शायद। ओ गॉड, जीजाजी मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना है ये। हाँ सपना है, सपना। ओ भाई चल फिर से सो जाते हैं, सपना देखते हैं। ओहो सपना नहीं है ये। अरे एक सेकंड यार, इलायची जी सच में? इलायची जी हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, मतलब सेठ जी ने हमें स्वीकार कर लिया वो भी इतनी आसानी से। हाँ देखो सच में पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपना गुस्सा तक पी लिया। वैसे इस मौके पे कुछ और भी पिया जा सकता था। ओए नहीं, सुबह सुबह नहीं। अरे वो तो ठीक है यार, फालतू में इतने दिन चूल्हे पे चढ़े रहे, अच्छा होता ना यार सेठ जी को पहले ही सच्चाई बता देते, तो मैं ना इस साड़ी ब्लाउज के बाहर और पैंट शर्ट के अंदर होता। जीजा जी अपना आप जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हाँ। फिर पापा का आशीर्वाद लेंगे हम। इलायची जी हमें ना थोड़ा ऐसे घबराहट हो रही है, पता नहीं सेठ जी कहीं हमें मार वार ना दें, उनकी बेटी पटा ली ना हमने। चुप करिए आप। चलिए हम तैयार होके आते हैं। आप बस पिंटू जी आप भी नहा धो के पिंटू भाभी से पिंटू जी के अवतार में आ जाइए, अब पापा से क्या छुपाना। अरे वो तो ठीक है इलायची जी, लेकिन क्या ना कि बहुत गलत टाइम पे सही कांड हो गया है। मतलब? मतलब ये है कि हमने ना ज्योतिषी वहाँ दिखाया, तो उसने बताया कि सुनीता जी से अगर शादी करनी है तो एक हफ्ते तक बिना नहाए धोए इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही रहना जस का तस। तेरे कहने का मतलब ये है कि तू 7 दिन तक नहीं नहाएगा? ओ भाई हेलो, सुन सेठ जी के ना आसपास भी मत भटकियो, समझा, ना पता चले इसकी गंदी बदबू सूंघ के सेठ जी हमारा रिश्ता तोड़ दे। चुप रहिए आप। जो कि इतनी मुश्किल से बना है। सेठ जी की बेटी पटा ली। अरे आप मोतीचूर के लड्डू ले आइए ना, वो एज हस्बैंड वाइफ हम पहली बार पापा से मिलेंगे ना, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही इलायची, मोतीचूर के लड्डू आ जाएंगे, मोतीचूर के लड्डू क्या, आज तो धुआं काट देंगे, पिंटू के दोस्त की शादी है। फाइनली जीजा जी हमारा प्यार कामयाब होने वाला है। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जा रही हूँ। भाई दूल्हे राजा आओ, तो बज गया बैंड तेरा समझ ले। इलायची के पापा चाय। गाय कहाँ बांधेगी, गाय जगह है, बात कर रही है बेकार की। और वैसे भी मैंने घर में जो है बैल पाल रखा है तेरा भाई। हे नाम, कल तो तुम्हारे कान में दवाई डाली थी, आज फिर कचरा जम गया, मेरे तो भागे फूट गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू भी ना रूठा मत कर है? अब जब तेरे साथ मजाक ना करूं तो मुझे अच्छा ना लगता है, और इस बहाने अपने साले को भी याद कर लेता हूँ, इसमें बुराई क्या है। अरे खुजरा भाई, अरे वाह वाह भैया देखो है, अब नहा धो के एकदम भाई, अच्छी खबर सुनी है तो उसके बाद सबके रंग ढंग बदल गए। पापा आपसे एक बात पूछे। हाँ। आपको इतनी बड़ी बात पता चली, आप एकदम नॉर्मल है, मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा है? हाँ। अरे इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, ये तो प्रकृति का नियम है, और खुशखबरी आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो इसमें मतलब हर चीज का एक वक्त होता है, समझ रही है तू? सेठ जी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, सेठ जी प्लीज। तुझे तो मैं अच्छा वाला आशीर्वाद दे रहा हूँ भैया। धन्यवाद सेठ जी, आप धन्य हैं सेठ जी, मतलब आप महान हैं। आयुष्मान भावा, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे लाइटी के पापा, ये वाला आशीर्वाद तो औरतों को दिया जाता है। अरे अरे पिंटू
यहाँ आजा आजा आजा। अरे अरे पिंटू कैसी है तू? तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है, मुझे कुछ क्यों ना बताया? मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग बड़ी हैप्पी फैमिली बन गए हैं। अरे भाई इस हैप्पी फैमिली में अब नया सदस्य भी जुड़ गया है, अब तो हमारे आंगन में रौनक ही रौनक होगी। आ जा बेटा जरा तू ना ये आ मेरा बच्चा आशीर्वाद बेटा मेरा बच्चा। वैसे सेठ जी हमें सच में यकीन ही नहीं आ रहा कि आपको सच में कोई झटका नहीं लगा। अरे इसमें झटका लगने की क्या बात है, देख बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, तीर जो है निशाने पे लगा है ना, तो इसका फल तो तुझे ही मिलने वाला है। और सेठ जी एक नौकर ने तीर मार दिया। कैसी बातें कर रहा है तू टन टन। सेठ जी पनापन ना, तेरा नाम तो कुछ और है। घनागन बर्तन डंडन सेठ जी पंचम। पंचम तो मैं यही कह रहा था, समझ रहा है? अब इसमें कैसी अजीब बात है, अब देख मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ दो लोगों का फैसला है, इसमें कोई तीसरा अगर बीच में घुसे और बोले तो उसका क्या हक, समझ रहा है? पापा I'm so proud of you. तुम दोनों ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, मेरे तो भाग ही खुल गए। सेठ जी अगर हम आपको सच बताएं तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कितने खुश हैं, हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द है, हम क्या कर सकते हैं सेठ जी आप प्लीज। अरे क्या करना है, दुकान संभाल जाके आराम से। देख मैं तो कह रहा हूँ ये खुशखबरी अपनी जगह पे है, लेकिन काम अपनी जगह पे है, काम से नजर मत हटाइयो, काम में पूरी तरह से दिल लगाइयो, समझ रहा? अब ये मत समझ किस चीज से तेरी जो है इस घर में हैसियत बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सेठ जी, हम मन लगा के काम करेंगे, काम काम होता है सेठ जी, और हम ये नहीं भूलेंगे कि हम पहले नौकर हैं और उसके बाद कुछ और। देखो इतना अच्छा लड़का है ये, इसी बात में फिदा हो जाता हूँ इसकी। सुन बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरी जो है तनख्वाह बढ़ा दूँ। सेठ जी इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे ना है, अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है भाई, इसकी तो जरूरत है। मैं क्या कह रहा था कि तेरी तनख्वाह 1,500 है ना? 2,000 ये कब बढ़ा दी मैंने? अच्छा चल 2,000 है, तो मैं तेरी तनख्वाह अब जो है 2,100 कर देता हूँ, एक बार में 100 रुपए बढ़ा दिए तेरे। सौ रुपए अरे आप तो इस बात में भावुक मत हो जाइयो, पता लगा मुझसे आगे लिपट कर रोने लगे। ना ना ना, ना देख जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो कर ही रहा हूँ। सेठ जी आप जो दे रहे हैं हमारे लिए बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सेठ जी। कुछ ना बेटा कुछ ना, जा दुकान पे टाइम पे आइएगा। जा बेटा तू भी आराम कर। इलायची बेटा इधर या बैठ। हाँ देख इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है, तो इस बात पे मैं क्या कह रहा हूँ कि तुझे मैं ये 500 रुपए दे रहा हूँ, और 500 रुपए की सबको चाट खिला मेरी तरफ से। थैंक यू पापा, आई लव यू। मेरे बच्चे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रखा है। मैं भी खिला खिलाती हूँ। हाँ जा जा जा। मैं भी चाट खाऊंगी। तू खाएगी चाट। सही बात है भाई, इस बार तो मुझे भी सच में यही लग रहा है। अबे शर्म कर ले साले, अपनी शादी में पैसे लूटेगा? नहीं बता तू घोड़ी से उतर के नीचे पैसे लूटते हुए अच्छा लगेगा? अबे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारा घोड़ी पे बैठने का सपना पूरा हो गया। अच्छा अब आप सबने देखा ना मेरे पापा कितने कूल हैं, इतनी आसानी से मान गए यार। मुझे तो लगता है मैं पहले ही बता देना चाहिए था,
इतना वेट तो नहीं करना पड़ता। हाँ यार इलू अंकल जी कितनी कूल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। और सुन लो तुम लोगों की तो होगी सेटिंग, अब पिंटू जी और मेरी बारी है बैटिंग करने की। मैंने तो सोच लिया तुम लोगों की रिसेप्शन होती है ना घर पे पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी मेरे और पिंटू जी के बारे में। लेकिन पिंटू जी मुझे तो लगता है हमारी फर्स्ट किस का ना कोई सीन ही नहीं है। अरे यार सुनीता ये कैसी बात कर रहे हो, चिंता ना करो अब जो भी होगा हनीमून पे होगा। पिंटू जी कंट्रोल यार, हमारी सुनो कहीं भागी नहीं जा रही है। मैं तो कहती हूँ आप सबने देख ही लिया कि सब्र का फल मीठा नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुरब्बा होता है। I just love my papa यार। अरे इलायची जी I love your papa, मतलब आपके पापा। पर हमें एक चीज नहीं समझ में आई यार, सेठ जी ने आपके ऊपर पैसे वार कर ये पिंटू के हाथ में क्यों दे दिए? हाँ यार मतलब पैसे दिए दिए ऊपर से गंदी से एक पप्पी भी ली। हाँ पप्पी भी ले डाली। हाँ यार अब उन्हें पता है ना कि आपके मेरी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन बचे ये एक गरीब दोस्त जिनका कुछ नहीं हुआ है, इसलिए शायद इन्हें देख के थोड़ा इमोशनल हो गए होंगे, है ना? अच्छा हुआ इमोशनल हो गए, हम तो भैया हमारे डर के ना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे हर समय। क्यों क्यों तो भाई हनुमान जी ना अपने भक्तों की संकट के समय रक्षा करते हैं, बचाते हैं उनको। देख मुझे लग रहा था ना कि शादी की बात सुनते ही सेठ जी तुझे ढाई से गोली मार देंगे, उसके बाद मेरा नंबर है। लेकिन ना भाई मामला तो बिल्कुल पलट गया, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी खुद सुनीता जी को उठा के मेरी गोद में डाल देंगे, कहेंगे बेटा ले तेरी भी किस्मत का आम पक गया है चकले। सुन लो यार एकदम सपना सा नहीं लग रहा है ये। हाँ यार और भगवान जी करे ये सपना कभी ना टूटे, टच वुड। मगर एक बात है लाजी, हमें लग रहा था ना सेठ जी जो है ना एक नंबर घटिया कमीने लीचड़ इंसान है, लेकिन किसे पता था यार इस काली जवान के पीछे हीरा छुपा है। पिंटू जी वो मेरे पापा हैं। अरे तो आपके पापा हैं तो हम कौन सा उन पर मिसाइलें दाग रहे हैं यार। भाई कम से कम आज के दिन तो अपना ये गंदा मुंह बंद रख। सॉरी लाची जी। इट्स ओके जीजा जी। नहीं नहीं ये नहीं, मुझे आज किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है। बस फिर से पापा के सामने हम साथ फेरे ले लें, फिर देखना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी हमारी। इसकी हमारी ओहो। अरे हमारी बीवी है भाई, क्या चाट खाओ। अरे आजाद है हमारा देश। जी 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 कहते हैं ये झूठ है। झूठ है बस खुश। जी जी क्या तू तू सच कह रही है? चटंकी भैया मैंने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा, तुमने कहा कह दो तो मैंने कह दिया। कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हो? वही जो पिघले हुए शीशे की तरह मेरे मेरे कान में घुल गई है। जी जी हैरान चटंकी भैया तुम्हारे कान में शीशा गिर गया, मेरे तो भागे फूट गए। अरे जी जी पहले बात तो सुन लिया कर, मेरे जो टूटे हुए शीशे है ना तो बाद में बटोर लिए। पहले ये बता कि पिंटू जी सचमुच प्रेग्नेंट है? हाँ वो माँ बनने वाली है। इसका मतलब तो ये हो गया जी जी कि मेरा बाप बनने का चांस खत्म हो गया। खत्म क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब कि पिंटू जी ऐसा कैसे कर सकती है? जी 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 अब मेरा क्या होगा? भैया चटंकी भैया देखो मैं जानती हूँ तुम अपने दिल के कोने में पिंटू की मूरत बसा के रखे हो, लेकिन वो किसी और की अमानत है, माँ बनने वाली है, उसे भूल जाओ। अरे जी जी बात को नहीं समझ रही है, उनकी तस्वीर मेरी आंखों में चिपक गई है। इतनी बला की खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जी जी क्या खूबसूरत लगती है, क्या दिखती है वो। लेकिन वो किसी और की अमानत है चटंकी भैया, अपना ध्यान कहीं और बटाओ। क्या हुआ? रोना धोना बंद कर यहाँ पे, अपनी मनुष्यत कहीं और जाकर फैला। इतने दिनों बाद तो घर में खुशखबरी आ रही है और तू जो है शोक मना रहा है। देखा तुमने शादी की बातें देखी, यहाँ मेरे अरमानों की अर्थी चली जा रही है और ये मेरे कंधे तक न दे रहे हैं। कैसा आदमी है भाई तू है? अरे बकवास मत कर, पिंटू जी जो है वो मां बनने वाली है।
तेरा फर्ज तो सिर्फ इतना है कि पंडित जी को अपनी बहन बना के उसे सिर्फ भाई का आशीर्वाद दे। ठीक है ठीक है जीजा, तू कह रहे हो तो मैं अपने प्यार को मैं अपने सीने में दफन कर लूंगा, किसी को हवा तक नहीं लगने दूंगा, किसी को हवा तक नहीं लगने दूंगा। पिंटू जी, पिंटू जी। सही कराने वाला हो रहा भाई ये, और नाश्ता कब देगा भाई, कल देगा क्या? खिलाना भाई, दुकान भी खोलनी है। ये क्या है बे? नाश्ता। ये नाश्ता है तो क्या पास्ता है? क्या बोल रहा है भाई, क्या हो गया? कौन से तेरे फूफा लंदन में जाके रहने लग गए हैं, साले बिस्किट खिला रही है। प्रॉपर खाना खिला भाई, नाश्ता खिला, पराठा खिला, सब्जी खिला, ये क्या है? अबे तेरे कौन से फूफा ने मेरे नाम जायदाद कर दी है, खजाना दे दिया है कि मैं तुझे महीने के आखिर में सब्जी और पराठे खिलाऊं? भाई जब तुझे पता है कि महीने का आखिर का समय चल रहा है तो कुछ एडजस्ट क्यों नहीं करता, जाके आंख वाख मार देता किसी दुकानदार को, यार ले आता सामान। ओ भाई तुझे खा रहा ना, ये आंख मार के ही लाया हूं। अब कल से वो भी ना मिलने वाला, क्योंकि दुकानदार भी समझ गया आंख मारने के अलावा और कोई खेलना होने वाला है। नहीं भाई तेरे से कुछ ना हो सकता, तू काम का ना काज का, बस दुश्मन अनाज का। अरे यार कैसी फालतू बातें कर रहा तू है? मैं तेरी लुगाई हूँ या तेरी अम्मा हूँ जो तेरी जली कट्टी सुनूं, पूरे घर का काम करूं और तुझे बना बना कर ठुसाऊं? अबे चुप रहेगा, ज्यादा ताने क्या दे रहे बे? ऐसे बोल रहे जैसे कि मैं सारा दिन यहाँ पे तफरी मारता रहता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, समझा, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, सारा दिन औरतों के साथ माथा पच्ची करता हूँ, तब जाके दो वक्त की रोटी नसीब होती है, समझा? बकवास करा लो बस सुबह सुबह। अच्छा तू माथा पच्ची करता है, मैं क्या बैठ घुइया छीलता हूँ? भाई पूरे घर का काम करता हूँ, खुद बनाता हूँ तब खाता हूँ, फ्री में रह रहा हूँ यहाँ पे। अबे साले नाटक करना बंद करेगा, एक नंबर का काम चोर आदमी है तू। अच्छा तू बड़ा काम करता, तूने बड़े लाल के लिए खड़े कर दिए, सारे ना कमाता धमाता 2000 रुपए लिए कमाता है, उससे खाएं पूरी कचौड़ी पराठे। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर पिंटू। अरे तू भी मेरा दिमाग मत खराब कर, पूरी पराठे खाने को कहा था तेरी, पूरी पराठा खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे। मैं इतना जोर की मारूंगा ना, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं तुझे कितनी बारी बोल चुका हूँ चुप करके बैठ। तू मार्क दिखा तू, मैं दिखा तू। अबे तेरी तो मजबूरी में रहना पड़ रहा है। अरे तो मुझे कौन सी खुशी है? जी जी मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पिंटू जी की जान को खतरा है, मैं तुझे साफ साफ बोल रहा हूँ। मत ये बात छटंकी भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि पिंटू का पीछा छोड़ दो। अरे क्या यार बोलना, फोन क्यों कर रहा था मुझे? ये पूछ रहा हूँ किसी केस वेस में फंस गया हूँ तो जमानत बहना देने वाला हूँ, समझ रहा? अब ना उल्लू बनूंगा मैं। अरे जो काम पहले ही भगवान कर चुके तो वो हमें करने की क्या जरूरत है मेरे भैया जी, बता मुझे। देख रही है अपने भाई को, तुमका एक तेरे मुंह पे गाल पे बात कर रहा है बेकार की। जी जी इसको बोल दे कि तेरे भाई ने भी कोई चूड़िया ना पहनी है, बता रहे हैं बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी तो मालूम ही है। अरे बस करो, अरे इलायची के पापा सुन लो ना छटंकी भैया क्या कह रहे हैं। छटंकी भैया तुम बोलो। जी जी क्या हुआ मैं तुझे बताऊं? भी थोड़ी देर पहले ना मेरे कान में जोर जोर से आवाज लड़ने की आई, समझ मैं छक हुआ, मैं छत पे पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंटू जी और पंचम एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। अब तू खुद बता मुझे, तू तो समझदार आदमी है, तू क्यों ना बताएगा भैया कि कोई पति अपनी पत्नी का गला दबाता है? एक दूसरे में चले बैठे थे। अरे पंचम ने पिंटू पे हाथ उठाया, वो भी ऐसी हालत में, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे खुजरा कुछ भी बोल ले आइए, और मैं तू जानती रहा मैं पंचम को, अपने आप को बचाने के लिए वो काफी अकेली, समझ रही है? एक बार तो मैंने उसे जो है बेलन और वो कढ़ाई फेंकते देखा था टन टन के ऊपर, फिर कुछ भी बोल ले आए। अरे भैया कि तुम लोग मेरी बातों का यकीन क्यों ना करते, मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों भैया पति पत्नी है ही ना, दोनों पति पत्नी बनने का नाटक कर रहा है, मैं अपनी आंखों देख के झूठ बोलूंगा तुमसे मेरी जान। देख रही है अपने भाई को, अपना पत्ता फिट करने के लिए एक अच्छी खुशहाल फैमिली को जो है बदनाम कर रहा है ये। छटंकी भैया भूल जाओ ना उस पिंटू को। अरे जी जी तू मेरी बात को ना समझ रही, वो कोई पति पत्नी ना है, समझ गए, दोनों के दोनों नाटक कर रहे हैं। अरे जी जी मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं तो भैया पिंटू जी को एक खुशहाल जिंदगी देना चाह रहा हूँ, एक होनहार पति देना चाह रहे हैं। हम बात को ना समझ रहे, बेवकूफ आदमी, कैसा आदमी है? तेरी खुद की जिंदगी बेहाल हुई पड़ी है, तू क्या खुशहाल जिंदगी देगा? बात कर रहा है बेकार की। और सुन, मैं बता रहा हूँ, दूर रहा उनसे, पति पत्नी के बीच में मत आइयो तू। जे जे, तू तो मेरी बात सुन ले कि तू भी ना सुनेगी। कोई ना सुनेगा तेरी बात। अरे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तूने उनके बीच में आया ना तो इस घर से निकालते हो, मुझे देर ना लगेगी, समझ रहा है? अयो मत बीच में, अरे ना तो दूंगा यार, निकल काम करो, चल हट, बेकार आदमी, पजामा, अरे से पजामे जा यार, काम करो अपना यार, हमसे लग रहा है यार मेरे मूड खराब कर रहा हमारा। जी जी बस करो छटंकी भैया, पिंटू तुम्हारे नसीब में ना है। जी जी मैं तेरे सर की कसम खा के बोल रहा हूँ, जी जी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमने इस वक्त गौर नहीं किया तो घर में कोई ना कोई कांड हो जाएगा, फिर आके छटंकी से मत बोलना, छटंकी कोई मदद नहीं करेगा, फालतू की बातें कर रही है। और सुन, तूने किस आदमी से शादी कर ली है? मैं तो कह रहा हूँ अभी कभी छोड़ दे, मैं तुझे न्यू हस्बैंड एकदम प्यारा हस्बैंड ला कर दूंगा, इसका तो पेट निकल हुआ है, किसी काम का है ये पेट लादमी, पजामा कहेगा बदतमीज जलील, बता कैसे बात करता तेरे भैया से। अरे मम्मा ओए।